है गाइस, तो आज का ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल काम था। हर काम तो मैं ब्लॉग में नहीं दिखा सकता, तो इस वजह से आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। दोपहर का आज मैं खाना खा लिया हूँ भी और अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो मैं अपने जो जहाँ पे कल मैंने प्याज के पौधे लगाए थे वहाँ आ गया हूँ, तो आपको मैं दिखा दूँ कि जो कल प्याज के पौधे लगाए थे वो आज कैसे दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये कल प्याज के हमने पौधे लगाए थे, ये आप देख सकते हो ये ऐसे दिख रहे हैं कुछ। एक तो यहाँ पे लगाए थे प्याज के पौधे, आज इसमें शायद थोड़ा पानी देना पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते सूख रहा है मिट्टी, तो मिट्टी थोड़ा गीला रहने से अच्छा होता है। तो ये था एक जगह, और दूसरी जगह का जहाँ पे मैंने घास साफ करके दूसरी जगह लगाया था जहाँ लगाते लगाते रात हो गया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो जहाँ दूसरी जगह लगाया था वहाँ के ये पौधे, यहाँ पे अभी भी धूप है लेकिन वहाँ पहले जहाँ पे लगाए थे हमने पैच के पौधे वहाँ छाव आ गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ का मिट्टी अभी भी गीला है। तो ये थे आज का, आप देख सकते कल जो प्याज हमने पैच के पौधे लगाए थे वो कुछ आज इस तरीके से दिख रहे हैं। तो इधर मैं थोड़ा आज घूमने आया था मकरनपुर की ओर, तो यहाँ पे ईंट बनाया जाता है हमारे इधर के, वैसे विदेशों में नहीं फॉरेन कंट्री में तो फैक्ट्री में ईंट बनाया जाता है लेकिन यहाँ पे ईंट भट्टियों में बनाया जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपको दिख रहा होगा जो भट्टी है, और ये लंबा एक जो आपको दिख रहा है ये चिमनी है, यहाँ से धुआँ निकलता है। तो ईंट पहले कच्चा रहता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कच्चा ईंट है, ईंट को भट्टी के नीचे लगाया जाता है, तो इसमें आग लगाया जाता है और ईंटे को जलाया जाता है, ईंट ऐसे तैयार होता है। है गाइस, तो अभी हो गई है शाम और चक्की में मैंने धान दे के आया था चावल बनाने के लिए, तो उसको लेने जाऊंगा। तो चलिए फिर चक्की से चावल लेके आते। है गाइस, तो चक्की में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया हूँ, तो आप देख सकते हो चावल लेकर मैं घर आ गया हूँ। तो पीस के कट्टा दिख रहा है, ये चावल है। तो चक्के में मैं वीडियो नहीं बना पाया था और एक देख सकते घर पे मैं चावल लेके आया हूँ, और ये है चावल जो चक्के में लेने गया था और इस कट्टे में लेके आया हूँ क्योंकि चक्की वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर था और मैं अकेला गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। तो अभी हो गई है रात और खेलने आया हूँ बैडमिंटन रोज़ की तरह, लगभग रोज़ ही खेलता हूँ। तो यहाँ चलता है बैडमिंटन, आप देख सकते हो ये चार प्लेयर खेल रहे हैं। बैट में ही नहीं लगा इनके। ये रात को जब कुछ खाना खा रहा था उस टाइम का वीडियो है, कुछ खाना खाते वक्त हंस रहा था, आप देख सकते हो अभी हंसेगा कुछ, और कुछ हंस हंस के खाना खा रहा था, देख सकते हो मुस्कुरा रहा है और खाना खा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद सावधानी करना स्टार्ट कर दिया जो है, कुछ खाना चावल को बिखेर रहा था हाथ में लेके, आप देख सकते हो बिखेर रहा है, कुछ बिखेर रहा है और खुश हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चावल बिखेरने के बाद उसने फिर रख दिया था चावल को। है गाइस, तभी मैं आ गया हूँ रात का खाना खा के सोने। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।